देखते हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है राहुल गांधी द्वारा नमो ऐप पर तंज कसने के बाद बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस को आईटी मामले में मूर्खों की संज्ञा देते हुए कहा कि राहुल को आईटी का जीरो नॉलेज है। आपको बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि नमो ऐप के जरिए आपके डेटा को अमेरिका भेजा जा रहा है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा नवरात्रि में बूंदी के लड्डू खाने पर तंज कसते हुए कहा कि योगी जी नवरात्रि में व्रत पे हैं या ढोंग कर रहे हैं। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी हीरा कारोबारी रसेल मेहता की छोटी बेटी श्लोका से दिसंबर में होने वाली है। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है एमपी के गुना से विधायक पन्ना लाल साक्य ने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि पश्चात संस्कृति से दूर रहो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद कर दो। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि बजट में किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और हमारी सरकार गरीबों और किसानों के उन्नति के लिए वचनबद्ध है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी रामनवमी की बधाई। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है चीन में भारतीय राजदूत गौतम बम्बाले ने कहा कि चीन अगर भारतीय सीमा पर कोई बदलाव करने की कोशिश की तो उसको दोबारा से डोकलाम जैसा परिणाम देखने को मिलेगा। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है बीजेपी के शत्रु ने लालू यादव से मुलाकात कर तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा यह पुराने पारिवारिक दोस्ती है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हुआ बिजली के तारों के जाल से मुक्त। पूरे शहर के 16 स्क्वायर किलोमीटर में बिछाए जा रहे हैं अंडरग्राउंड वायर। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार से मारपीट मामले में एलजी से कहा पहले पुलिस को सुधारें फिर हमें नसीहत दें। और ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप भी रह सकें अपडेट।